चैनल तो आज के इस वीडियो में हमारा ये प्रैक्टिकल सेशन होगा डेटा हाइडिंग एब्सट्रैक्शन और इनकेप्सुलेशन के ऊपर और लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ समझी थी डेटा हाइडिंग इनकेप्सुलेशन और एब्सट्रैक्शन होता क्या है और इसको अचीव कैसे करते हैं हमने इन तीनों का एग्जाम्पल जो है रियल वर्ल्ड में भी पहले समझा था उसके बाद हमने इसको कोडिंग में भी समझा था कि इसको कैसे अचीव करते हैं तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले डेटा हाइडिंग को हम कोडिंग में कैसे अचीव करेंगे तो डेटा हाइडिंग हम ऑलरेडी पहले भी समझ चुके हैं कि डेटा हाइडिंग है क्या आ, आ, हमारे इंटरनल डेटा को कोई भी आउटसाइड पर्सन डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए उसी को बोलते हैं डेटा हाइडिंग अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि डेटा एक्सेस करने नहीं देना है डेटा एक्सेस करने देना है लेकिन डायरेक्टली डेटा एक्सेस नहीं करने देना है मतलब इंटरनल डेटा जो भी होगा हमारे क्लास का या फिर हमारे सीक्रेट uh, कोड का या फिर जो भी कह लीजिए उसको हम एक्सेस करने देंगे लेकिन मेम्बर uh, फंक्शंस जो होगा उस ब्लॉक के उसके थ्रू करने देंगे मतलब डायरेक्टली कोई भी बंदा कोई भी आउटसाइड पर्सन हमारा इंटरनल डेटा नहीं एक्सेस कर सकता है और डेटा हाइडिंग को अचीव करने के लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि हम प्राइवेट मॉडिफायर का यूज़ करते हैं तो चलिए इसको अब देखते हैं कि हम कैसे कोडिंग में इसको कैसे करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक मेन क्लास है यहाँ पर हमने मेन मेथड बना लिया अब यहाँ पर हम एक क्लास और ले लेते हैं क्लास बैंक नाम से ठीक है तो ये एक क्लास बैंक है इसके अंदर कुछ प्राइवेट डेटा है तो उस प्राइवेट डेटा को हम प्राइवेट कीवर्ड से ही लिखेंगे जैसे कि प्राइवेट आई बैंक आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग बैंक नेम प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम प्राइवेट डबल बैंक बैलेंस ठीक है तो ये हमारा बैंक है और इस बैंक के पास कुछ प्राइवेट डेटा है अब इस प्राइवेट डेटा को हमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं करवाने देना है कोई भी दूसरी कोई भी आउटसाइड पर्सन को लेकिन वो आउटसाइड पर्सन जो है वो बैंक के पर्सन के थ्रू मतलब जो बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके थ्रू तो एक्सेस कर सकता है ना अगर इसको रियल वर्ल्ड में हम समझें मतलब कोई भी बैंक का डेटा होगा आपको अपना बैंक बैलेंस जानना है या फिर बैंक का आईडी जानना है या फिर कुछ भी जानना है तो आप बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं उनके थ्रू तो जान सकते हो ना ये डेटा तो वही चीज़ डेफिनेशन में भी लिखिए यू आउटसाइड पर्सन कैन नॉट एक्सेस द बैंक डेटा डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकता है कैसे बैंक के मेम्बर्स अगर उसको वो डिटेल्स देते हैं तो वो जो बैंक के मेंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं मेंबर फंक्शंस कोडिंग में बोलते हैं उसको मेंबर फंक्शंस तो उस मेंबर फंक्शंस को हम सबसे पहले बना लेते हैं जैसे कि पब्लिक स्ट्रिंग गेट बैंक डिटेल्स ठीक है तो यहां पर हम लिख लेते हैं रिटर्न दिस डॉट या फिर हम ये लिख लेते हैं रिटर्न बैंक आईडी एंड बैंक नेम तो ये हमारा हो गया अब इसके बाद है हमारा एक और मेंबर फंक्शन होगा पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूजर डिटेल्स तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं यूजर नेम ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन, एंड और डेटा हाइडिंग को समझने के लिए तो यहाँ पर हमारे पास एक बैंक है जिसके अंदर ये हमारा जो है डेटा है कुछ जो कि प्राइवेट है और ये हमारा जो है वो कुछ मेंबर फंक्शंस हैं तो ये जो हमारा डेटा है जो कि प्राइवेट है इसको हम बोल सकते हैं डेटा हाइडिंग ये हमने डेटा हाइडिंग को अचीव कर लिया ठीक है ये हमने डेटा हाइडिंग को अचीव कर लिया और इसको हम बोलेंगे कि ये डेटा आउटसाइड पर्सन कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है ठीक है इसको हम बोलेंगे कोई भी डेटा हमारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज़ हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के हो नहीं सकता तो उसको मेनली हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जब हम, हम स्टार्ट करेंगे तभी उसको समझ सकते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम आगे देखेंगे तब उसको समझेंगे लेकिन हम इतना समझ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट का एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि हाइडिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द नेसेसरी डिटेल्स तो हम नेसेसरी डिटेल्स बैंक जो है बैंक नॉर्मल यूजर्स को क्या दे रहा है वो ये दे रहा है कि गेट बैंक डिटेल्स एंड गेट यूज़र डिटेल्स लेकिन इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उस उससे नॉर्मल यूज़र को आ, उस नॉर्मल यूज़र को वो जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है नॉर्मल यूज़र को खाली वो सर्विसेज चाहिए जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है गेट बैंक डिटेल्स एंड गेट यूज़र डिटेल्स ये दो सर्विसेज हैं जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल यूज़र को ठीक है वो वो बैंक प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल यूज़र को ये हमारा नॉर्मल यूज़र है और बैंक वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल यूज़र को और नॉर्मल यूज़र वो दो सर्विसेज का यूज़ करके बैंक की डिटेल्स या फिर उसकी खुद की डिटेल्स जान लेगा लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि बैक एंड में हमारा क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं ये हमारे वो ऑपरेशन है जो परफॉर्म हुए हैं तो और और क्या कहते हैं इनकेप्सुलेशन इनकेप्सुलेसन भी हमारा यहीं पर ही कवर हो जाता है यहाँ पर हमारा क्या हुआ एब्सट्रैक्शन कवर हो गया ठीक है इनकेप्सुलेसन हमारा ये हुआ पूरा इनकेपसुलेसन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया अब इनकेपसुलेसन का मतलब हमने क्या पढ़ा था रैपिंग अप ऑफ द डेटा इन टू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकेप्सुलेशन जैसे कि हमारे पास कैप्सूल था यहाँ पर वो कैप्सूल वाला एग्जाम्पल ये देखिए कि हमारे पास एक कैप्सूल है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन पड़ी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेडिसन्स जो हैं वो हमारा डेटा होगा और ये एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं कैप्सूल तो वो एक कैप्सूल कहलाता है यूनिट वन ऐसा ही हमारे पास एक कैप्सूल और होता है ये और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन होती हैं और उसको रैप कर दिया जाता है एक यूनिट के अंदर उसको बोलते हैं यूनिट टू मतलब कैप्सूल टू तो वैसे ही हमारे पास ये जो पूरा एक बैंक क्लास है ये जो पूरी एक बैंक क्लास है ये एक कैप्सूल है और इस या फिर ये एक यूनिट है इस यूनिट के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा हैं उसको हमने रैप करके रखा हुआ है बैंक के अंदर तो यहीं पर ही इनकेप्सुलेशन हमारा खत्म होता है जिसको हम कहते हैं रैपिंग अप ऑफ द डेटा इनटू द सिंगल यूनिट इस कॉल्ड इनकेप्सुलेशन अब देखिए नॉर्मल यूजर जो होगा वो सबसे पहले बैंक का ऑब्जेक्ट बनाएगा ठीक है अब नॉर्मल यूजर जो होगा वो बैंक का ऑब्जेक्ट बनाएगा और वो बैंक से कहेगा कि हमें बैंक की डिटेल्स दे दीजिए हमें बैंक की डिटेल्स दे दीजिए बैंक डॉट गेट बैंक डिटेल्स ठीक है तो उसको बैंक की डिटेल्स मिल जाएगी फिर वो बोलेगा कि हमें मेरी डिटेल्स दे दीजिए यूज़र की डिटेल तो बैंक डॉट गेट यूज़र डिटेल्स तो उसको अपनी खुद की डिटेल्स मिल जाएगी तो आप देखिए यहाँ पर जो बंदा नॉर्मल यूज़र है वो बैंक के इस मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है इसका मतलब यही हुआ कि वो जो बंदा है वो बैंक के एम्प्लॉ को उसने कॉल किया वो ये एम्प्लॉई है उस एम्प्लॉय को उसने ऐसे कॉल किया बैंक डॉट गेट यूज़र डिटेल और वो एम्प्लॉयी यूज़र की वो डिटेल्स ला करके देगा जो यूज़र को चाहिए तो इसको यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया होगा अब इनकेप्सुलेशन डेटा आइडिंग और एब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है नॉर्मल यूज़र ने यहाँ पर सिर्फ़ वो सर्विसेज बैंक की यूज़ करी जिससे वो यूज़ कर सके उसको जो कि बैंक प्रोवाइड कर रहा है और वो दो तो सर्विस क्या है गेट बैंक डिटेल्स और गेट यूज़र डिटेल्स तो इससे जब हम इसको रन करेंगे तो उसका आउटपुट उसको मिल जाएगा एक मिनट हमें पहले डेटा यहाँ पर सेट भी करना होगा तो सबसे पहले हम डेटा फॉर एग्जाम्पल डेमो ले लेते हैं डेमो डेमो डेटा हम कुछ भी ले, ले लेते हैं बैंक नेम ठीक है तो ये वो कुछ डेटा है जो कि ऑलरेडी सेट है हमने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर बस समझा है तो ये हमारी बैंक डिटेल्स हो गई और ये हमारी यूजर डिटेल्स हो गई ठीक है तो ये वही एग्जाम्पल है जो यहां पर लिखा हुआ है इस स्लाइड में भी लिखा हुआ है ये ये वही एग्जाम्पल है ठीक है तो ये कंप्लीट एक एग्ज़ाम्पल है इनकेप्सुलेशन डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन का एब्स्ट्रैक्शन हम कंप्लीटली तो अचीव इसमें नहीं किया है क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करे नहीं हो सकता है लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि ऐसे कुछ वर्क करेगा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि हाइडिंग अप ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स तो वो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हमारी यही थी जो कि बैक एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और हमने खाली वो सर्विसज़ जो है वो यूज़र को यहाँ पर खाली दे दिए और यूज़र वो उस सर्विस को कॉल कर रहा है गेट बैंक डिटेल्स और गेट यूज़र डिटेल्स तो आई होप कि आपको ये वीडियो प्रैक्टिकल सेशन अच्छा लगा हो अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और कोई भी फीडबैक हो कोई भी अच्छी चीज़ लगी हो या कोई भी बुरी चीज़ लगी हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करिएगा टिल देन कीप लर्निंग